हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ड्राइंग सपोर्ट चैनल आज हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके डिस्कस करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल ये जो इमेज है ये इमेज कौन सा मेटेरियल का कन्वेंसनल सिंबल तो ऑप्शन देखिए वाटर कॉन्क्रीट एजबेस्टस ग्लास तो ये है वाटर वाटर का कन्वेंशनल सिंबल, ये है वाटर का कॉन्वेंशनल सिंबल ठीक है तो क्वेश्चन नंबर टू देखिए आइडेंटिफाई द कॉन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, ये जो इमेज है ये कौन सा मटेरियल का कॉन्वेंशनल सिंबल तो देखिए ऑप्शन लीड ग्लास वुड पेपर तो ये होगा वुड, ये वुड का कन्वेंसनल सिंबल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री आइडेंटिफाई द कन्वेंसनल सिम्बल ऑफ मेटीरियल ये जो इमेज है ये कौन सा मेटेरियल का कन्वेंसनल सिंबल ये देखिए लीड स्टील ग्लास पोर्सेलिन ये है स्टील ये स्टील का कन्वेंसनल सिंबल है ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर आइडेंटिफाई द कन्वेंसनल सिम्बल ऑफ मेटेरियल ये जो सिंबल है ये कौन सा कन्वेंसनल सिंबल है कौन सा मेटेरियल का कन्वेंसनल सिंबल है देखिए ऑप्शन कंक्रीट स्टील वुड ग्लास तो इसका आंसर होगा ग्लास तो ये है ग्लास का कन्वेंशनल सिंबल नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव कॉम्पास यूज टू ड्रॉ फॉर डैश ऑप्शन देखिए रिक्टेंगल स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल तो इसका आंसर होगा सर्कल कॉम्पास यूज़ करके सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स द स्टैंडर्ड पोजिशन ऑफ ए टाइटल ब्लॉक इज इन द डैश ऑफ ए ड्राॅइंग सीट ड्राइंग सीट में जो टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है तो देखिए ये मान लो हमारा एक ड्राॅइंग सीट ये ड्राइंग सीट पे टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है तो देखिए ऐसे टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है तो इसका मेजरमेंट होता है 185 एट्टी फाइव एम एम एंड इसका मेजरमेंट होता है 65 फाइव mm. एम ठीक है तो ये एक टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है तो इसका पोजीशन क्या है राइट right पोजीशन क्या है ड्राइंग सीट पे तो ऑप्शन देखिए बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर बॉटम राइट कॉर्नर टॉप राइट कॉर्नर टॉप लेफ्ट कॉर्नर तो इस ये राइट right आंसर होगा बॉटम राइट कॉर्नर तो ये है ये बॉटम राइट कॉर्नर पे ये टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द ट्रिम्ड साइज ऑफ ए जीरो सीट ए जीरो सीट का साइज क्या है तो ऑप्शन देखिए तो इसका राइट right आंसर होगा ये एट हंड्रेड इंटू तो देखिए ए जीरो ए जीरो का मेज़रमेंट है 841 हंड्रेड फोर्टी वन एम एम इंटू वन ठीक है एंड ए वन ए वन का मेज़रमेंट होता है 594 हंड्रेड नाइन्टी फोर इंटू एट हंड्रेड फोर्टी वन एम एम ठीक है इसी तरह ए टू ए टू का मेज़रमेंट होता है 420 हंड्रेड ट्वेंटी इंटू फाइव हंड्रेड नाइन्टी फोर एम एम एंड ए थ्री जो सीट होते हैं इसका मेज़रमेंट है टू नाइन्टी सेवेन टू हंड्रेड नाइन सॉरी टू हंड्रेड नाइन्टी सेवेन इंटू फोर हंड्रेड ट्वेंटी एम एम एंड नेक्स्ट ए फोर का ए फोर जो सीट होता है उसका मेज़रमेंट है टू हंड्रेड टेन इंटू टू हंड्रेड नाइन्टी सेवन एम एम ठीक है तो ये ए जीरो ड्राॅइंग सीट का मेजरमेंट है एट हंड्रेड फोर्टी वन इंटू वन थाउजेंड वन हंड्रेड एट्टी नाइन एम एम ठीक है तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ टाइटल ब्लॉक इन इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग पे जो टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है ड्राइंग सीट पे उसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है तो देखिए मैंने पहले ही बोल दिया 180 mm, 185 mm into 65 mm. तो ये होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ मेनी बटन्स विल बी देयर फॉर ए ड्राइंग बोर्ड ड्राइंग बोर्ड पे जो बटन्स होते हैं बटन्स तो का संख्या कितना है तो देखिए ये जो ड्राइंग बोर्ड होते हैं ये जो ड्राइंग बोर्ड होते हैं ड्राइंग बोर्ड पे जो बॉटम साइड पे दो बटन्स होते हैं ठीक है दो बटन्स होते हैं ये है एंड ये ये दो बटन्स होते हैं तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द पार्ट दैट डज नॉट बिलोंग टू टी स्क्वायर इज डैश निम्नलिखित में से कौन सा टी स्क्वायर का पार्ट नहीं है तो देखिए ये है टी स्क्वायर टी स्क्वायर का ये जो पार्ट है ये है स्टॉक एंड ये जो पार्ट है ये है ब्लेड ठीक है एंड टी स्क्वायर का ये जो साइड है ब्लेड का ये जो साइड है ये है वर्किंग एज वर्किंग एज ठीक है तो ये जो एबोनी e है एबोनी इज द राइट आंसर एबोनी किसका पार्ट है ये जो ड्राइंग बोर्ड का लेफ्ट साइड पे ये एक पार्ट होता है इसको कहा जाता है एबोनी, ठीक है तो इसका राइट right आंसर होगा एबोनी टी स्क्वायर का जो पार्ट है स्टॉक टी स्क्वायर का पार्ट ब्लेड भी टी स्क्वायर का पार्ट वर्किंग एज भी टी स्क्वायर का पार्ट बट एबोनी ये ड्राइंग बोर्ड के साथ संबंधित है ठीक है सो थैंक यू स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा